ट्रायल कोर्ट ने बेल का ऑर्डर दिया, ईडी के पूरे केस को ध्वस्त करता है। अरविंद केजरीवाल ने कोई दोष पूर्ण काम नहीं किया, वो दोषी नहीं है। लालच देके गवाहियां लेंगे, फिर तो आप किसी भी निर्दोष को फंसा सकते हैं। कोर्ट द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर सौरभ भारद्वाज ने ईडी पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दिल्ली के सीएम को दी गई जमानत व्यवहारिक रूप से उनके खिलाफ ईडी के मामले को रद्द कर देती है। उन्होंने कहा, हम उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट के फैसले ने ईडी के मामले को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। पीएमएलए मामलों में जमानत का मतलब है कि अदालत आश्वस्त है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई अपराध नहीं किया है। सुनिए सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा। देखिए, अभी तक तो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। मगर जो ट्रायल कोर्ट ने बेल का ऑर्डर दिया 24 पन्नों का, वो बहुत ही जो है कहा जा सकता है कि ईडी के पूरे केस को ध्वस्त करता है। पीएमएलए के मामले में बेल का मतलब ये है कि कोर्ट इस बात को देख के आश्वस्त हो गया कि अरविंद केजरीवाल ने कोई दोष पूर्ण काम नहीं किया, वो दोषी नहीं है। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि ईडी द्वारा ये कहा जाना कि हम अन्य आरोपियों को लॉलीपॉप देंगे, लालच देंगे, तभी तो वो खिलाफ गवाही देंगे। इसके ऊपर कोर्ट ने कहा, इस तरीके से अगर आप लालच देके गवाहियां लेंगे, फिर तो आप किसी भी निर्दोष को फंसा सकते हैं। किसी भी आदमी को आप जेल में बंद कीजिए, फिर उसको जेल से छोड़ने का लालच दीजिए, वो लालच के कारण जो है किसी के खिलाफ भी बोल देगा। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि 40 करोड़ रुपए गोवा में खर्च हुए, उसका कोई सबूत ईडी नहीं दिखा पाई है। और फिर कोर्ट ने ये कहा कि या ये जो बार बार कहा जाता है कि आरोपी और अरविंद केजरीवाल की व्हाट्सएप चैट पकड़ ली, उस चैट में क्या है? उसमें चैट में सिर्फ ये है कि किसी ने उनको जन्मदिन कहा, हैप्पी बर्थडे कहा, अरविंद केजरीवाल ने थैंक यू कहा। कोर्ट ने कहा कि क्या सिर्फ किसी को जान पहचान होना आप उसको दोषी मान सकते हैं? आपको उसका दोष साबित करना पड़ेगा। सिर्फ किसी से जान पहचान होना तो एक बड़ी साधारण सी बात है। तो मुझे लगता है कि ईडी का पूरा केस जो है ट्रायल कोर्ट की जजमेंट से ध्वस्त हो जाता है। आपको बता दें कि बीते दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। उसके बाद ने ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद से हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा दी और कहा कि इस मामले की जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक कोई जमानत नहीं होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।